उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बीती रात बेखौफ हत्यारों ने नवी कक्षा के छात्र की सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। हत्या से गांव में हड़कंप मच गया है। सूचना पाकर रात में ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। शाहजहांपुर के सिधौली थाना क्षेत्र के इस घर में मौत का मातम है। इस परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इस घर के एक बेटे की गुरुवार रात बेरहमी से हत्या कर दी गई। सरविंदर सिंह का 15 साल का बेटा विकास गुरुवार को सुबह गन्ना छीलने के लिए घर से खेतों के लिए निकला था। रात में उसकी लाश मिली। परिवार ने हत्या का आरोप अपने ही रिश्तेदारों पर लगाया है। बारिटर यहाँ आया, मेरे भाई को बुला कर ले कहे चलो गन्ना छीलेंगे, हम अपनी पर्ची डालेंगे। तो पापा ने कहा चले जाओ, तो गए और दो लोग और थे छील वाले, तो उनको दिया भगा, इसको वहाँ मार के डाल दिया। और यहाँ घर पर आए कह दिया कि विकास वहाँ खेत पर गया ही नहीं, और यहाँ से बुला कर ले गए। किस क्लास में पढ़ता था? 9th इंटर कॉलेज। जिन लोगों पर विकास की हत्या का शक जाहिर किया गया है वो विकास के सगे चाचा के संबंधी हैं, भटपुरा गांव के ही निवासी हैं और उनसे परिवार की पुरानी रंजिश है। सिंह जी, क्यों आपके भतीजे की हत्या की गई है? भतीजे की हत्या की गई ये लोग रंजिश मानते थे, इसलिए कि गन्ना जैसे तिहाई के जैसे हथियार थे, ठीक। तो इनने कहा कि गन्ना में हम तुम्हें सजियान नहीं रखेंगे और गन्ना अब हम अपने आप करेंगे, तुम्हें खेत नहीं देंगे। सिर्फ गन्ने की विवाद को लेकर आपके भतीजे की हत्या कर दी गई। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बेरहमी से कत्ल हुआ और पुलिस मौके पर पहुंची। ये और अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की इसमें? हाँ, ये ग्राम भटपुर रसूलपुर में एक बच्चे की अभी डेड बॉडी मिली है। शाम सुबह एक छोले के लिए गया था, उसके बाद वो फिर नहीं आया। एक सजातीय व्यक्ति के साथ देखा गया था सुबह, उसके बाद अभी डेड बॉडी मिली है। विधिक कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। तहरीर लेके जो भी कार्रवाई अग्रिम की जा रही है तुरंत ही इसका किस तरह से टेस्टिंग की जाएगी। अभी ये तो जांच का विषय है, जांच में। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अमित कुमार शर्मा, शाहजहांपुर, जर्मन टीवी।